नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए आमजन से सरकार को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार तो भ्रष्ट तंत्र से निपट ही रही है, लेकिन अगर इस कवायद में सरकार को आमजन का और साथ मिलेगा तो इस दिशा में और बेहतर काम हो सकते हैं। सीएम गहलोत ने जयपुर के झलाना स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातें कही हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एससीबी और अच्छे से काम कर सके, इसके लिए लोगों का जितना सहयोग मिलेगा उतना अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा नंबर जारी करने पर विचार कर रही है जिससे आमजन की एससीबी तक पहुंच और सुगम हो जाए। सीएम ने कहा कि एससीबी और आसानी से काम कर सके, इसके लिए किसी एक नंबर को जारी करने पर विचार हो रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि जनता को एसीबी से एक नंबर के जरिए जोड़ा जाएगा। ब्यूरो सिर्फ छोटी मछली नहीं बल्कि बड़ी मछलियों को भी पकड़ेगा। सीएम ने कहा कि वित्त विभाग से 1 करोड़ से अधिक लागत की ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में एसीबी का काम अब और ज्यादा मजबूत और हाईटेक बनेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की समीक्षा की। रिव्यू बैठक में सीएम ने एसीबी के अब तक के कार्यों की तारीफ की और एसीबी अधिकारियों को भ्रष्टाचारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। सीएम ने साफ संदेश दिया कि भ्रष्टाचारी चाहे छोटा हो या बड़ा, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। गति प्रदान हो और आम जनता को इकबाल कायम हो कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, उस दिशा में पब्लिक भूमिका भी ऐसी बने जिससे कि एसी भी अपना काम और अच्छे ढंग से कर सके। जितना ज़्यादा पब्लिक सहयोग करेगी उतना ज़्यादा एसी का काम आसान होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कोई कॉमन नंबर दें पब्लिक को जिससे कि वो अपनी कंप्लेन नोट करा सके, नंबर एक। नंबर दो, जो कंप्लेनेंट है वो उसका नाम गुप्त रखा जाए। नंबर तीन, जो ट्रैप करवाते हैं ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं, तो ट्रैप करने के बाद में डिपार्टमेंट उनको तंग नहीं करे, उनके काम आसानी से हों, उसके लिए भी सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि ट्रैप करने के बाद में वो व्यक्ति आराम से अपने काम करवा सके, उसके यहाँ न्याय नहीं हो कि ट्रैप भी करवाए बाद में फंस जाए, वो नौबत नहीं आए। और जो सिस्टम एक बनाया हुआ है सीबीसी और सीबीओ का, हर डिपार्टमेंट में एक सीओ लगा हुआ है और एक सीबीसी जो एसीएस होम होते हैं वो होते हैं, उस सिस्टम को मजबूत करेंगे जिससे कि सीबीओ जो है डिपार्टमेंट का ही कोई व्यक्ति एक अधिकारी होते हैं, उसकी बजाय दूसरे विभाग के अधिकारी को विभाग में लगाएंगे जिससे कि वो आराम से बिना दबाव के काम कर सके, कोई लिहाज नहीं हो वहाँ पर। इस प्रकार से कई फैसले हमने किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स एचसीबी की अपनी संसाधनों की होती है, साधनों की होती है, वो दूर करेंगे। और बाई एंड लार्ज अच्छा काम कर रही है एसीबी, काफ़ी संख्या बढ़ी है ट्रैप की भी, और जो आय से अधिक संपत्ति है वो भी एक सर्वे करवाया जाएगा, जो शिकायत करेगा उसके माध्यम से भी, और जो रिपोर्ट आएगी किसी भी स्रोत उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कैसे हो वो कार्य आगे बढ़ाई जाएगी जिससे कि फ्यूचर में भी करप्शन करने की कोई हिम्मत नहीं करे। इस प्रकार से हमने काफ़ी फैसले किए। जनता के बीच में जाते हैं, आपसे मिलते हैं, जो फीडबैक मिलता है वो सब काम आएगा। मेन बात है कि ये तंत्र एसीबी का और मजबूत होगा और लोगों को राहत मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और कोई भी चाहे वो जो कहावत है छोटी मछलियों को पकड़ते हैं बड़ी को नहीं पकड़ते हैं, एक ही जुमला होता है मीडिया का, मैं समझता हूँ ना छोटी ना बड़ी, जो करप्शन करेगा वो सबके साथ में समान व्यवहार करेगी एसीबी। तो
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे। साफ तौर पर सीएम ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, अब छोटी मछलियों या बड़ी मछली सभी पर कार्रवाई होगी। एक नजर सवालों पर डालते हैं, उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। घूसखोरों पर लगाम कसने में सरकार कितनी गंभीर है, ये सवाल चूंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर अपने बयान में गंभीरता दिखा रहे हैं। प्रदेश में एसीबी तंत्र कैसे और ज्यादा मजबूत हो, इस पर भी विचार करने की बात भी सीएम ने कही। भ्रष्ट तंत्र से निपटने में आम जनता कैसे सहयोग करे, तो घूसखोरों पर लगाम कसने में सरकार कितनी गंभीर, प्रदेश में एसीबी तंत्र कैसे ज्यादा मजबूत होगा, भ्रष्ट तंत्र से निपटने में आम जनता कैसे सहयोग कर पाएगी, इसको लेकर तमाम सारे और भी सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देंगे अपने खास पैमानों के साथ। उन सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज बड़ी बहस केंद्रित रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी कहा गया वो एक ऐसा नंबर भी जारी करने पर विचार हो रहा है जिससे सीधा संपर्क एसीबी से आमजन का हो सके, ताकि और भी ज्यादा आसान एसीबी का काम हो जाए। और सीधा संपर्क होना चाहिए आम जनता का भी, सहयोग भी जनता करे। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, दो खास मेहमान हैं। सीधा परिचय उन खास मेहमानों को आपसे मैं करवा दूं। मेरे साथ हैं पूनम चंद भंडारी, जो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन से हैं। पूनम चंद भंडारी जी, आपका स्वागत है सर बड़ी बहस में मेरे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ पूर्व आईपीएस हैं अनिल गोटवाल। अनिल गोटवाल जी, आपका भी स्वागत है सर। पूनम चंद भंडारी जी, आप ही से सर शुरुआत कर रहा हूं मैं बड़ी बहस की। किस तरीके से आप देख रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री फ्री हैंड दे चुके हैं पूरी तरह से, समय समय पर आकर ये कहते भी रहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अब सिर्फ छोटी नहीं बड़ी मछलियों पर भी हाथ डाला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी सीएम साहब से दो तीन बार मिला था इस मुद्दे पर कि करप्शन लगातार बढ़ रहा है, और हमने कई मामले दिए भी थे उनको कि मामले देखिए जिसमें कम से कम 1,000 करोड़ के 2,000 करोड़ के घोटाले हैं। ये छोटी, बिल्कुल सही बात, छोटी मोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, पटवारी को पकड़ लिया, कोई 1500 पकड़ लिया, लेकिन जहां बड़े बड़े बहुत बड़े मामले हैं उसके अंदर वहां के अधिकारी भी प्रेशर में आते हैं और काम नहीं करते हैं। हमने कम से कम 7-8 FIR दे रखी है जिन पर कई महीनों जाँच चल रही है और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बड़े बड़े मामलों के अंदर बचाया जाता है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कई अधिकारी इन्वॉल्व भी है इसके अंदर। अब एक मामले में तो आलोक त्रिपाठी जो एसीबी के एडिशनल चीफ हैं जी, उनका लड़का ही उस संस्था में काम करता है जहाँ जयपुरिया के अंदर, वो जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर जो मामला हुआ था पार्किंग का, वो छत गिर गई थी उसके कारण कुछ नहीं हुआ। एक और मामले के अंदर ऐसा ही हुआ कि जब वो कहते हैं तो अरेस्ट कर लेते हैं। आजकल बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो इनके बच्चों को अपने नौकरी पर रख लेते हैं या कोई पार्टनरशिप पर रख लेते हैं और उससे इनको फायदा मिलता है। उस बात को भी गहलोत साहब को देखना पड़ेगा। कई मामले में बता के आया था राजकॉम में, आप बता दो, पहले भी कहा था 2,000 करोड़ का घोटाला है। आप देखिए, मतलब राजस्थान के अंदर यदि कोई अधिकारी टूर पर जाएगा जी, उसका रहने करने का एक दिन का खर्चा 2,61,000 रुपये, राजस्थान से बाहर जाएगा 4,95,000 रुपये एक दिन का, और पेमेंट किए हैं 2,35,000,000 के पेमेंट किए हैं। और एक बात मुझे समझ में आती है, गहलोत साहब को भी समझना चाहिए कि जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो प्राइवेट वकील क्यों नियुक्त करते हैं पब्लिक के पैसे से। जब घोटाले की कोई FIR होती है, घोटाले की PIL होती है, उसके अंदर प्राइवेट वकीलों क्यों किया जाता है? लाखों रुपए फीस दी जाती है, 3-3 लाख रुपए फीस दी जाती है एक दिन की। हमने वो भी मामला उठाया था। ये भी देखना चाहिए, जब आपने एडिशनल एडवोकेट बना रखे हैं, बहुत जनरल बना रखे, काफ़ी 9 बना रखे एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल भी हैं, तो JDA या प्राइवेट जो बोर्ड कॉर्पोरेशन हैं वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में प्राइवेट वकील क्यों करते हैं? जब प्राइवेट वकील करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रहता है उनको बचाने में, और सरकारी वकील करेंगे तो उनका बचाने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसको ध्यान देना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा जनता का पैसा है सर, ये पैसा उनका नहीं है, पब्लिक का पैसा है, तो उसको भी सरकार को देखना पड़ेगा जी। और जो कंप्लेंट बहुत सारे एसीबी मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत स्लो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई को तेज करना होगा इनको जी। और अरेस्ट करने की कार्रवाई तो बहुत लेट तक करते ही नहीं है हाँ। यानी पूरा चांस देते हैं हाँ। कि वहाँ हाईकोर्ट में स्टे करा ले या कुछ और कर ले तब तक, और जो मामले दिए गए उनमें गहनता जांच ही करते हैं। हमने उनको सजेशन दिए थे किस तरह जांच कर ली है। अभी मैं, अच्छा है आज आपने ये आपने बुला भी लिया, देख लिया। अभी हम 2-3 दिन जाने वाले हैं, 3-4 FIR बड़े मामले लेकर के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर जाएंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं और किस प्रकार करते हैं। दो मामले अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं, एसीबी के पास जाती है जब बड़े मामले,
वो क्या करते हैं, वहां से लिखकर देते डिपार्टमेंट जांच कर ले। हाँ। डिपार्टमेंट के खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, और वही बहुत सारे मामलों में कहते हैं वो जांच कर ले जी, और एफआईआर को उसको रिपोर्ट दर्ज करते हैं और वापिस दे देते हैं। ठीक है सर, मैं कहता हूँ एक बार ऐसे मामला जाता है वो डिपार्टमेंट ना भेजे और खुद कार्रवाई करें। ठीक है सर, अनिल गोटवाल जी सर आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपका भी कमेंट चाहूंगा। जी ठीक है सर, अनिल गोटवाल जी सर आपका भी इस पर कमेंट चाहूंगा। जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई हैं, उनको हम कैसे ठीक कर पाएंगे? नहीं ठीक है, आज मुख्यमंत्री जी वहां स्वयं वहां गए ऑफिस में और एसीबी के अधिकारियों से चर्चा की है जी। चर्चा में जो दो तीन चीज उन्होंने बताई है कि जो परिवादी होता है वो एक्चुअल में वो कई बार प्रताड़ित होता है, बाद में एक दफे ट्रेप करा देता है। हाँ। और ट्रेप कराने के बाद जिस काम के लिए उसका सरकारी काम है वो पेंडिंग है, वो होता ही नहीं है बेचारे का। तो लोग बाग वो ट्रेप कराने में भी सोचते हैं। हाँ। और दूसरा इस जो परिवादी है, जैसे मान लो आज 25,000 की रिश्वत मांगी है, 50,000 की मांगी है, 1,00,000, अब वो 1,00,000 परिवादी कहां से लाएगा? ये एक सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो रिश्वत की राशि है इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को या विभाग को ध्यान देना चाहिए। काफी समय से ये चर्चा चल रही है कि वो परिवादी 1,00,000 रुपया मांग रहा है, वो कहां से लेके आएगा? इसको भी इनको एग्जामिन करके और परिवादी की जो राशि है रिश्वत की राशि इसके बारे में भी सरकार मुहैया कराए उसको। हाँ। वो राशि तो ये किस तरह हो सकता है, कानून में क्या बदलाव किया जा सकता है, इसको देखा जाना आवश्यकता है। दूसरा ये है कि जो संसाधन या जो तंत्र है उनकी उन्होंने बात की है आज के जो हमने ये जो रिकॉर्डिंग होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे तंत्र आने चाहिए कुछ ऐसे। लेकिन ये जैसे भंडारी साहब ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेप कराने के अलावा बड़ी मछलियां वो है जो ऑफिसेज में बैठ के डायरेक्ट रिश्वत नहीं लेती है वो। हाँ। उनके तो सबॉर्डिनेट जाके रिश्वत लेते हैं और वो उसमें से हिस्सा लेके और इतने बड़ी बड़ी हो गए वो ऑफिसेज में कि वो इतने बड़े बड़े टेंडर हो चाहे और कुछ अनियमितताएं हो वो चलती रहती है। उनके घरों को देखो, उनकी आलिशान कोठियां देखो, उनका रहन सहन का स्तर देखो, ये आम जनता को मालूम है, उस तनख्वाह के अंदर से आ नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ एसीबी को मजबूती से तथ्य एकत्रित करके और कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से और उनकी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में जिनकी फीस इतनी है, रोज गाड़ी आती है गाड़ी ले जाती है, ये है उनके खेत खलियान देखो, उनके व्यापार देखो, उनके उद्योग देखो। और एक एक जो बहुत अच्छी बात बताई है अभी भंडारी साहब ने जी कि जो एसीबी के अंदर अधिकारी है उनके बच्चे अगर प्राइवेट जिनके पास जाके नौकरी करेंगे तो वो नौकरी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे, तो इसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि सीवीओ अधिकारी बदलेंगे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, यानी एक विभाग का कोई मुखिया होता है वो मुखिया अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ उसका एक पॉलिसी के अंदर शामिल होना तय है। लेकिन अगर उसको कोई दूसरा विभाग का अधिकारी अगर करता है तो मैं ये कहता हूं कि ये नवाचार होगा, नई शुरुआत है और ये जो कार्रवाई है ये छोटी मछली और बड़ी मछली एक साथ साथ। ये एक और है कि हमारे केसेज पेंडिंग बहुत है, उनकी कहीं ना कहीं से वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिल रही है। सरकार को ये कहना चाहिए कि इसकी प्रोसिक्यूशन का एक टाइम पीरियड टाइम बाउंड करें कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको यस या नो उसमें एफआईआर देनी है, चालान करना, कोर्ट में भेजना, क्या है दोबारा तफ्तीश करनी है, इस तरह का एक बनाए शेड्यूल ताकि उनका निस्तारण भी हो सके। केस बना दिए वो पड़े रहते हैं, सालों पड़े रहते हैं और उनका कुछ और जनता के अंदर मैसेज जाता देखो ये वापस लग गए या ये बहाल हो गए या कहीं ना कहीं, तो एक सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है और जनता में एक गलत मैसेज जाता है कि इसका इनका कुछ भी नहीं होगा। इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। एमएलए साहब ने अभी जी, जो एमएलए साहब ने पकड़वाया था उसको, एसएचओ को, उस मामले में क्या हुआ, जो 35,000 रिश्वत उनको दे रहा था उस मामले में ठंडा पड़ गया मामला,
ना मीडिया दिखा रहा है ना कोई दिखा रहा है, जबकि उसने साफ कहा था कि बड़े मामलों में ऊपर पहुंचा जाता है। आपकी बात मानता हूँ, आपके चैनल ने पहले बहस कराई थी, आपके चैनल बहस करवाता है, लेकिन बहुत सारा उसके बाद में उस मामले पर क्या हुआ, सब चुप बैठ गए। जब साफ कहा था कलेक्टर जाता है, एसपी जाता है, ऊपर तक पैदा जाता है, उसने कहा था जो एसएचओ एक एमएलए को 35 लाख रुपए दे सकता है, आप सोचिए आगे कितना पहुंचाता होगा और क्या क्या हो रहा होगा, उसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके साथ में जब रंगे हाथों पकड़ में आते हैं, कार्रवाई होती है, जेल चले जाते हैं, उनको वापस रीस्टेट क्यों किया जाता है, उनको सस्पेंशन में क्यों रखा जाता है, उनको उनके खिलाफ में डे बाई डे इंक्वायरी करके उनको हटाया क्यों जाता है। सरकार की मंशा जाहिर रहेगी यदि ये इस प्रकार का ऑर्डिनेंस निकाल दें कि जो जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल चला गया है, उन अधिकारियों की तुरंत उनकी इंक्वायरी डे बाई डे करके उनको सस्पेंड हटा, नौकरी हटा दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जी, कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत करके बड़ी दुश्मनी मोल लेकर किसी को पकड़वाता है जी, और 3-4 महीने बाद वापस नौकरी में आता है और मुझ पर ताव देता करके कि मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैं तो वापस आ गया, और पद पे आने के बाद में उसको उस स्कोर को सेटल करने की कोशिश करता है वो। तो ये देखने की बहुत जरूरत है कि ऐसे स्कोर उनको नौकरी पर वापिस ना रखा जाए, जब तक कि वो बरी ना हो जाए या इंक्वायरी के अंदर वो पाप साफ ना निकल जाए। ऐसी स्थिति जब तक ना हो, नौकरी पर बिल्कुल रखा नहीं जाना चाहिए उसको, बिल्कुल। और साथ ही भंडारी जी, गोपाल जी ने दो पॉइंट भी सामने रखे थे, उन पर भी आपका चाहूंगा आप उस पर भी प्रकाश डालें। पहला तो ये कि कोई भी आम व्यक्ति या जो परिवादी होता है इस बात के लिए डरता है कि अगर ट्रैप करवा दिए तो शायद बाद में भी उसका काम ना हो, और दूसरा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं उसको इस बात का डर होता है कि अगर इसको ट्रैप करवाया जाएगा तो उसके काम में कहीं ना कहीं अड़ंगा पड़ेगा, और तमाम सारी चीजें जो आड़े आती हैं इसको लेकर कैसे लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे। देखिए, जागरूक तो करना ही पड़ेगा, वो हम भी, हमारी संस्था भी यही काम कर रही है जी। हमने बनाए थे, हम सबको उनको प्रोटेक्ट करेंगे, पूरा राजस्थान ग्रुप बनाया हमने, 1000 लोग जुड़ चुके हैं और हम उनकी सहायता करेंगे। और जैसा भी बता रहे थे गोठवाल जी के रिश्वत की राशि देने के लिए भी सरकार मदद नहीं करती है, तो उसकी मदद भी हम कर सकते हैं। यदि हमसे कॉन्टैक्ट करेगा 25,000-50,000 लाख में देना भी है तो संस्था उसकी मदद करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचारी को पकड़वाना बहुत जरूरी है, हालांकि सरकार को चाहिए कि वो उस पैसे की तुरंत खुद व्यवस्था करते हुए, लेकिन हमारी संस्था मदद करेगी। हम सरकार और साथ ही सर सर ऐसा भी शेड्यूल बनना चाहिए, जैसा भी गोपाल जी भी जिक्र कर रहे थे, ऐसा भी शेड्यूल होना चाहिए कि किसी भी कोई भी अगर मामला है, कोई केस है, फाइल है, उसका निपटारे की एक समय सीमा तय हो, ताकि जल्द से जल्द या तो उसका निपटारा हो या वो उजागर भी हो केस। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिए थे इनको 90 डेज मैक्सिमम देना चाहिए जी, इनको 90 दिन के अंदर तुरंत करना चाहिए। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअली में पता नहीं क्या बात है, कहीं कहीं गड़बड़ है, वरना सैंक्शन तो तुरंत मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके एसीबी के अंदर कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, एडिशनल एसपी जांच करते हैं, पूरी जांच करने बाद में, अरेस्ट करने मामला बनने के बाद में जी, पूरी जांच होती है, चार्जशीट फाइल करने से पहले सैंक्शन दी जाती है सेक्शन 19 में। तो हमें समझ नहीं आ रहा उसके अंदर एक या दो दिन रखने चाहिए, उस अधिकारी को क्या देखना है, जांच अधिकारी जांच करता है, एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए कि उसको पढ़कर दे दे, वो सिर्फ इससे किया गया है कोई इनोसेंट ना फंस जाए। लेकिन सारे मामलों के अंदर मैंने रिट लगाई थी, 1000 सैकड़ों मामले ऐसे हैं, बड़े मामलों में आईएएस आईपीएस के मामले में कभी नहीं गया, गिरिराज सिंह आईएएस गवर्नर के लग गए थे, कई सालों तक सैंक्शन दी गई, कई सालों तक, बहुत सारे मामले थे जो 2007 से थे, हमने हाईकोर्ट याचिका लगाई तब जाकर निर्धारण हुआ है। लेकिन सवाल ये मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही जांच पूरी हो जाए तो जांच पूरी होने के बाद के अंदर Within a few days, बल्कि 1-2-3 महीने जरूरत नहीं है, 10-15 दिन काफी है सर जी, उनको देखना क्या है। एसीबी के अंदर डीजीपी तक फाइल जाती है, वो पूरी जांच करते हैं, सही एविडेंस करती है, और अरेस्ट करने गिरफ्तारी वाले मामले में जहाँ रंगे तो मामले में वहां तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सामने अरेस्ट किया गया है, उसके बाद देखी जांच करनी पड़ती है। लेकिन अधिकारी वगैरह उनको बचाते हैं, उनको या तो पैसे पहुंचाता है या पॉलिटिकल दबाव होता है, ज्यादातर पॉलिटिकल दबाव बहुत ज्यादा होता है, वो किसी अधिकारी को या पॉलिटिकल नेता को पकड़ते हैं और नेता सिफारिश लगाते हैं और उसके बाद के अंदर उनके सैंक्शन नहीं दी जाती है। सवाल उठना चाहिए कि आपने सैंक्शन क्यों नहीं दिए, सीएम को खुद को देखना चाहिए कि किन मामलों में सैंक्शन नहीं दी गई है, उनकी जांच करनी चाहिए, और यदि मालूम पड़े अधिकारी गड़बड़ करिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कदम उठाए जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लगा गहलोत साहब ने जाकर कम से कम तो ले जाकर के वसुंधरा के टाइम कुछ तो देता ही था, बहुत अच्छी बात है कि सीएम साहब चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अधिकारी को चाहिए कि वो पूरी उनकी मदद करें,
और आम जनता को जागरूक होकर के इस मामले में सामने आकर के बिना डर के पूरी मदद करनी चाहिए। हमारे जुडिशियरी में बहुत करप्शन है, बढ़ रहा है ये। अब एसीबी का अधिकारी वहां भी हिम्मत दिखानी चाहिए, लेकिन ये डर जाते हैं। बता रहा हूँ एसीबी का अधिकारी हाईकोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं। ये बात ये वहां फोन पहुंच जाता है तो उसके बाद में ढीले पड़ जाते हैं। पहले हमारे एक मामला हुआ था जहाँ अजमेर का डीए पकड़ में आया था, लेकिन हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने उनको जाने दिया, छापा नहीं मारने दिया। जिस टाइम अजीत सिंह जी थे, अगर छापा मार लेते तो शायद राशि बरामद होती। तो सवाल ये कि वहां भी ध्यान देना चाहिए, चीफ जस्टिस से मिलना चाहिए। बहुत से लोगों के बारे में हाईकोर्ट को पता है कौन कौन से लोग करप्ट हैं, नीचे भी कौन कौन गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी करके उन पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि एसीबी बहुत जबरदस्त काम कर रही है और न्यायपालिका भी साथ। बिल्कुल, और साथ ही गोपाल जी सर फ्री हैंड देना भी जरूरी कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि जब तक फ्री हैंड नहीं देंगे तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। फ्री हैंड का तो सबसे पहला सिद्धांत है कि अगर आपने फ्री हैंड दिया तो एसीबी बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई कर सकेगी। जैसा अभी मनर साहब बता रहे थे कि इवन ये भी प्रेजेंट में जो डीजी साहब हैं जोधपुर थे, हाईकोर्ट के जज ने रिश्वत में अस्मत मामले के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और एक एसीबी के अंदर बहुत बड़ा मैसेज किया था और उसके प्रति इतनी भावना आ गई थी कि एसीबी पुख्ता कार्रवाई कर सकती है। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि छोटे अधिकारी डर जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं ऊपर से फ्री हैंड ही नहीं, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनका साथ मिलना चाहिए, तब जाके ये कार्रवाई कर सकते हैं। एक इंस्पेक्टर है, डिप्टी एसपी है, वो अब आईएएस के पास जाके जाने से ही डरता है। हाँ। वहाँ कलेक्टर लगा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो फील्ड में लगे हैं सीनियर अधिकारी वो भी करते हैं वहां पर, कुछ ना कुछ उनको फ्री हैंड, आप सही कह रहे हैं, वहाँ फ्री हैंड मिलना चाहिए। वहाँ शिकायतें भी आती है लेकिन वो विभाग को ही वापस चली जाती है। इसके लिए स्क्रूटनी के लिए एक अलग स्टाफ होना चाहिए, हमारे कुछ इसमें ट्रेनिंग की भी जरूरत है। इसके अंदर कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं जो वहां रहना नहीं चाहते, तो मैं ये कह रहा हूँ इंसेंटिव देके जो दूसरे पुलिस के अधिकारी अच्छे हैं उनको यहाँ लाया जाए और उनको इंसेंटिव दिया जाए कि एसीबी के अंदर आपको एक पद ऊपर रैंक के ऊपर लेंगे और उनको कुछ फाइनेंशियली इंसेंटिव देंगे, तब जाके एसीबी का अधिकारी कर्मचारी काम करेगा, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, सारे अपने हिसाब से उनकी एक इम्पोर्टेंस होती है। सूचना तंत्र नीचे का सिपाही लेके आता है और कार्रवाई अधिकारी करते हैं, तो ये एक जरूर इसके अंदर भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। ठीक है भंडारी जी, टेक्निकली तौर पर जी सर अपनी बात रखें सर। एक मेरा भी सवाल टेक्निकली तौर पर जिस तरह से और बेहतर करने की कोशिश विभाग को हो रही है उस पर अभी चाहूंगा आप एक कमेंट दें अपना। मैं कह रहा था जी 300 करोड़ का घोटाला दिया, डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर टेंडर लिए गए। हाँ। और उस मामले के अंदर हमने जब एसीबी को कंप्लेंट करी, एसीबी ने वापस वहां भेज दी, कोई कार्रवाई नहीं करी उसके अंदर, और पुलिस ने 400 पीछे मुकदमा दर्ज करके एफआईआर दे दिया। तो इतने बड़े मामले के अंदर, हालांकि लड़ रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर, इतने बड़े मामले के अंदर एसीबी का ये इस प्रकार से ये करना है तो उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं, बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये बहुत अति आवश्यक हो गया। ये तो सीएम साहब को ये भी देखना चाहिए। और उसके अलावा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जिन केस में चार्जशीट फाइल रहती है उन एसीडी कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फास्ट काम करें। उन सब मामलों में क्या हो रहा है, यहां से मामला चला गया उसके बाद लंबे लंबे से गवाह आते नहीं है, इनमें डे बाय डे होनी चाहिए, बल्कि डीवाईएसपी एसपी लेवल का व्यक्ति जो हो उसकी मॉनिटरिंग करे, मुकदमे डेट क्यों पड़ गई है, क्यों नहीं बयान हुए हैं, ये सारी चीज देखी जाएगी ताकि कन्विक्शन की रेट बढ़े। तो वहां होने के बाद फिर वहां बच्चे क्या रहते हैं, टेक्निकल आधार पर कोर्टें भरी कर देती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन पर मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ये मॉनिटरिंग करेंगे तो मैं कह रहा हूँ बहुत फर्क पड़ जाएगा, वरना उसके बाद वहां से निकल जाते हैं वो। तो ये भी देखा जाता है कि वहां कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ज्यादा समझते भी हो, ज्यादा ऑनेस्ट मुझे लगते हो, उनकी नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। और मॉनिटरिंग करना एसीबी को चाहिए। एसीबी क्या करती है या सीबीआई क्या करती है, चालान पेश करने बाद फिर
फ्री होते हैं उसके, उसके बाद में मुकदमे कोई ध्यान देता ही नहीं है, तो उनको ध्यान देना जरूरी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि चीफ जस्टिस को, चीफ मिनिस्टर को, गहलोत साहब को चीफ जस्टिस से मिलना चाहिए, और एससीटी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उनमें डे बाय डे हियरिंग हो और एक मॉनिटरिंग इसकी हो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है गोटवाल जी, सर एक आखिरी कमेंट आपका, इसका चाहूंगा आप जल्दी से जवाब दें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूरा इनिशिएट ले रहे हैं सरकार की ओर से प्रदेश की, प्रदेश के अंदर से भ्रष्टाचार का खात्मा हो, इसी तरीके से अब जो सरकारी तंत्र है, जो अधिकारी हैं, तमाम विभाग हैं, उनको भी ये शपथ लेनी होगी। देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये शपथ लेंगे जी, और शपथ लेनी चाहिए, इसमें कोई है ही नहीं। शपथ जब गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है तो ये शपथ लेता ही है, नंबर एक। लेकिन हमारे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जनता कैसे, उनको कैसे अवेयर किया जाए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जनता के अंदर इतनी बड़ी धारणा बैठ चुकी है कि किसी भी बिजली विभाग में या पानी विभाग में या और भी कोई विभाग हो, उसके अंदर जाते हैं तो वहां जनता के मन में ये है कि बिना पैसे दिए काम मेरा होगा नहीं। हाँ, जी ये जो भ्रम है इसको तोड़ने के लिए अधिकारियों को आगे आना चाहिए, और ऐसा भ्रम जनता के अंदर एक मैसेज करना चाहिए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ एक सरकार या एसीबी नहीं, जनता के अंदर जरूर ये धारणा तोड़नी पड़ेगी हमें, और उनको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ताकि ये एसीबी के केसेज में हमें सफलता मिले और भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अनिल गोटवाल जी आपका और साथ ही पूनम चंद भंडारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से पूरी तरह ये कहते हुए नजर आए हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा प्रदेश के अंदर से होगा, और फ्री हैंड एसीबी को दे दिया है, आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, समीक्षा ली गई, और तमाम जो तंत्र है सरकारी उसको और मजबूत करने के लिए टेक्निकली तौर पर भी काम किया जा रहा है। अब जनता से भी यही अपील प्रदेश की सरकार की भी है, मुख्यमंत्री की भी है, और इंडिया न्यूज़ की भी है कि आप भी जागरूक हों और किसी को भी एक रुपया रिश्वत का ना दें। अगर कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।